एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मीनू की दुनिया में आप सभी का स्वागत। सो गाइस, आज हम मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। अभी उठी हूँ मैं, और आज नहीं कल धर्मेश के बर्थडे है। सो मैं प्लानिंग ऐसा कर रही हूँ कि मैं सभी के साथ सेलिब्रेट करूँ बर्थडे, पर मैं पहले जाती हूँ अनाथ आश्रम, क्योंकि मुझे वहाँ पे इंक्वायरी करनी है कि मैं वहाँ पे जाके सेलिब्रेट कर सकती हूँ कि नहीं केक के कटिंग कल। तो वो सब इंक्वायरी करनी है और वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है। सो अभी मैं जाऊँगी नहाने, बाद में मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए। सो चलिए, नहाने के बाद मैं मिलती हूँ। सो गाइज, अभी मैं धर्मेश के कल बर्थडे है और अभी मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है उसके लिए, और बाद में मैं आपको सबको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान किया है। पर चलो, अभी मुझे थोड़ा बहुत लेना है, बाज़ार जाते हैं और कुछ अच्छा सा शॉपिंग करते हैं कि कल उसे हम सरप्राइज़ दे सकें। सो चलिए, फटाफट से हम लोग जाते हैं। सब मैं यहाँ पे हिंदू अनाथ आश्रम आ चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछूंगी और थोड़े बहुत बच्चों से मिलूंगी। ना बोले, चॉकलेटो लाओ, चॉकलेटो लाओ, पची बीजू से लाओ है केरी तो बीजू पिज़्ज़ा। ओ हो, क्यों गमचे खाओ पिज़्ज़ा के? मैगी है सार पकोड़ बर्गर हेलो है विजू सो और कसमी बस आते मैंगो डोली पाकु बस कल मैंगो डोली बदा मैंगो डोली मैंगो डोली खास कल बदा सार पाकु। सो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मिलकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे जो यहाँ के जो रहते हैं वो लोग लिस्ट बना रहे हैं कितने बच्चे को कौन से साइज़ आएगी। सो मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, और तब तक मैं यहाँ पे बच्चों के साथ फ़ोन कर रही थी कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिस्ट बन रहा है। तो तब तक मैं यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ी गपशप कर रही थी, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ये लोग सॉन्ग गा रही है, आप लोग भी सुनिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे वाह, सो अभी मैं यहाँ पे टी शर्ट्स लेने आ चुकी हूँ बच्चों के लिए, और साथ में मम्मी और भाभी को भी लेके आई हूँ, क्योंकि वो लोग होते तो मुझे थोड़ी बहुत अच्छा रहता है, आइडियाज़ मिलते हैं कौन सा क्या ले, और साथ में शॉपिंग करने की मज़ा ही कुछ और होता है। सो बस हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग कर ली बच्चों के लिए, और अभी हम निकलते हैं। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट्स भी ले लिए हैं, अभी हम जाते हैं घर। सो
सो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, मैं बस चेक कर रही हूँ सब कुछ आ चुका है ना, सब कुछ शॉपिंग हो चुकी है। अभी हम चलते हैं। अभी 4:45 है और गए है और मैंने बाथ ले लिया है, बाहर से आए थे सो सब कुछ लेने गए थे। अभी मैं आपको बताती हूँ आराम से कि हम सब क्यों शॉपिंग के लिए गए थे और क्यों गए थे। बिकॉज हम लोगों ने अनाथ आश्रम के बच्चे के लिए, धर्मेश की बर्थडे है सो मैंने सोचा मैं अनाथ आश्रम में धर्मेश की बर्थडे सेलिब्रेट करूँ और उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। सो मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए कपड़े, जो टी शर्ट्स आती है सो वो सारा बाय किया। चॉकलेट्स है, बलून्स है, जो उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी। मैं गई थी वहाँ पे, जो वहाँ के जो ट्रस्टी रहते थे उनसे बात की कि जो कौन से अभी रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए वो बताई, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो उन लोगों ने बताया कि बच्चों को कपड़े के लिए अभी चाहिए रहता है समर में पहनने के लिए और ऐसा कुछ, और वहाँ पे गर्ल्स भी है तो गर्ल्स के लिए भी थोड़े बहुत कपड़े चाहिए। सो उन्होंने बोला आप कुछ कपड़े या ऐसा कुछ दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बस वही, हम लोग गए थे, मम्मी को मैं लेके गई थी और भाभी को गए, मीन्स हम तीन लोग गए थे शॉपिंग के लिए और सब कुछ लेके आई हूँ। बाद में हम लोग उसको पैक करेंगे अच्छी तरह से और कल जाएंगे, पर अभी मुझे केक बनाना है सो मैं पहले केक बनाती हूँ बाकी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मुझे पैकिंग भी करना है, ये सारा सब कुछ मैं लेके आई हूँ सो मुझे पैकिंग करना है और बाद में उसको डेकोरेट भी करना है केक को, क्योंकि हम केक कटिंग वहाँ पर करेंगे। सो मैंने यहाँ पे नेम वाइज बैग सारे रेडी कर दिए हैं। अभी ब्लॉक 3 का कंप्लीट हो चुका है सो अभी हम आगे करेंगे, चॉकलेट्स पैक करेंगे। हुई है बच्चों के लिए, ये लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, अभी हम उसको मिक्स करेंगे और बलून ये अच्छा मैंगो यहाँ पे ऑलरेडी एक बुक हो गया है, यहाँ पे हो चुका है देखो, यहाँ पे बैठी है ऐसे देखो चल रही थी, हम चॉकलेट भर रहे शादी का मॉल है इसलिए हम इसमें बटर में देते हैं ना सभी को, ऐसे भर रहे हैं भाभी और यहाँ पे सुपरवाइजिंग कर रही है मम्मी। चलो कितने कितने डालेंगे इसमें। सो अभी हम यहाँ पे बटवे में भर रहे हैं चॉकलेट और बलून साथ में, कि बच्चों को हम लोग दे सके। सो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे अच्छे से बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स लिए हुए हैं पहनने के लिए टी शर्ट में, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं अच्छी अच्छी है। सो बस अभी हम लोग उसको पैकिंग करेंगे अच्छी तरह से, बाद में हम उसको बैग में डालेंगे और देंगे बच्चों को। सो यहाँ पे बटवे रेडी हो चुके हैं, चॉकलेट के पैकेट सारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे टी शर्ट ऐसे बैग्स में डाल के रेडी की हुई है बच्चों के लिए।
अभी 10:30 बजे है और अभी मुझे ये केक्स बनानी है। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है और 10:30 बजे से आज भाभी हेल्प कर रही है। फट से हो सब कुछ, अभी केक बनानी है, बनाते हैं फटाफट से। 10:30 ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 11:45 बज चुके हैं अभी और ये मेरी केक हो चुकी है यहाँ पे। ये बड़ी वाली जो अनाथ आश्रम में ले जाने वो है और ये चुटकू सा मैं सेलिब्रेशन करूँगी तभी मैं कट करूँगी। मैंने सिंपल इसीलिए बनाया हुआ है कि मैंने सिंपल इसलिए बनाया हुआ क्योंकि मुझे खाना है। सो मुझे बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल से डिज़ाइन की है। और यहाँ पे ये रेडी है। सो चलिए फटाफट से करती हूँ, मुझे 11:45 बजे और मुझे अभी विश भी करना है उनको। बस चलिए बाद में मिलती हूँ। गाइस, ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्रिपरेशन का तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बाय गाइस, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट पार्ट।